दोस्तों हमारे पीछे सोनू सर और सर जो है लिट्टी चोखा खा के यहाँ से रवाना हुए हैं एंड लोगों में जो उत्साह है सोनू सर को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? देखिए आज तारीख है 21 सितंबर और अभी हम लोग हैं लिट्टी सेतु पे चढ़ने वाले हैं। 21 सितंबर से पता होगा कि बिहार में आज सोनू सूद आ रहे हैं, तो बस सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग सोनू सूद सर से मिलने जा रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि हम लोग मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं, मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे वो तो बाद में पता चलेगा। आज द फेस ऑफ पाटलिपुत्र सीजन 3 का फिनाले है जो कि बापू सभागार में है, जिसमें सोनू सूद आ रहे हैं। और खास बात यह है कि सोनू सूद बिहार के लिए क्या है वो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो सभी लोग जानते हैं कि बिहार के लिए वो क्या है, एक गरीबों का वो भगवान है, मतलब यूं कहे तो। ओके, तो हमारे साथ अतुल भाई है, अविनाश भाई है और आगे सात्विक भाई है और ये ड्राइवर भैया क्या नाम है आपका? क्या? नारायण भाई। और ये देखिए अभी हम लोग निकल रहे हैं जेपी सेतु से होते हुए और आगे मरीन ड्राइव से अटल पथ से हम लोग निकलेंगे और अभी डायरेक्ट हम लोग एयरपोर्ट पे पहले जाने वाले हैं। आज वैसे प्रोग्राम तो उनका शाम के 4 बजे बापू सभागार में है, लेकिन अभी हम सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाएंगे और उसके बाद फिर शाम वाला सीन क्या बनता है फिर हम पहुंचेंगे। देखिए अभी जो टाइम है वो करीबन 2 बजने को है, मतलब 1:40 हो रखा है एंड उन लोग का जो अराइविंग टाइम है वो 2 बजे है, बाकी प्रोग्राम 4 बजे हैं, हम लोग 2 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं। ओके, तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। देखो एयरपोर्ट पे जो क्राउड है वो कुछ ऐसा है सोनू सूद सर को देखने के लिए। देखिए 2 बजने को है, ऑलमोस्ट बजने को है अभी, दो बजने वाला है और पूरा जो तैयारी है वो पूरा मतलब यहाँ से लेके बापू सभागार तक पूरा एकदम सही है और किसी भी वक्त जो है वो सोनू भैया सोनू सर यहाँ पे आ सकते हैं। आपको यहाँ पे गेट पे देखो जो भीड़ है वो इंतज़ार कर रहा है सोनू सर का कि अब पहुँचेंगे और बहुत ही जल्द पहुँचने वाले हैं, बस वेट करते रहिए। हम पहला दर्शन हम आपको करवाते यहीं से डायरेक्ट। हाँ भाई साहब, जो मतलब बाउंसर सारा रेडी है इधर, ये रेंज रोवर भी तैयार है कुछ ऐसा और इधर बाउंसर भी तैयार है, बाकी इंतज़ार किया जा रहा है गेट पे क्योंकि टाइमिंग हो चुका है आने का। देखिए बाउंसर लोग को अंदर में बुलाया गया है क्योंकि फ्लाइट जो है वो आ चुकी है। दोस्तों तो फाइनली आ रहे हैं। दोस्तों तो फाइनली पहुंच गए सोनू सर। तो हमारे पीछे सोनू सर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वो जा रहे हैं अपने होटल रूम की तरफ जाएंगे। हमारे पीछे सोनू सर है और अभी देख सकते हैं कि कितना बड़ा भीड़ है। हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, सोनू सर जो है लिट्टी चोखा खा के यहाँ से रवाना हुए हैं एंड लोगों में जो उत्साह है सोनू सर को देखने के लिए, ठीक है आप देख सकते हैं सोनू सर। देखिए हमारे पीछे सोनू सर, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि हमारे पीछे सोनू सर। सर दोस्तों हमारे पीछे सोनू सर और वो निकल गए।
ओके दोस्तों, वाह भाई साहब, भैया निकल चुके हैं, हम आपको दिखाएं फाइनली। एंड अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, एंड शाम के 4 बजे बापू सभागार में आज जो इवेंट है वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। बाकी बिहार के लिए भगवान है भाई, और वो चीज आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि लोग कितना पसंद करते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे का जो काफिला आप हम आपको दिखा रहे थे ये सारा सोनू सूद का है, और अभी कौन से होटल पे जा रहे हैं वो ये किसी को ही नहीं पता। हाँ, ये किसी को नहीं पता है कि कहाँ जा रहे हैं, किस होटल में रुकने वाले हैं। अभी बस हम लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, बस 3 से 4 गाड़ी हम लोग पीछे हैं, और बस पहुँचते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा सोनू सर, जो बिहार में वही गाड़ी है, वही है गाड़ी तो लिट्टी चोखा खाए गाड़ी रूफ से निकल के। बिहार का फेमस लिट्टी चोखा आने से पहले ही ट्वीट कर दिए थे कि बिहार वालों तैयार रहो, लिट्टी चोखा मतलब तैयार रखो। तो अभी हम लोग सोनू सर के गाड़ी से करीबन 1, 2, 3, 4 गाड़ी पीछे है, और अभी हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं, सोनू सर का जो होटल है वहाँ पे। और